फूडी सिर्फ खाना खाते नहीं है, बना भी लेते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे माछो बेसरो। तो आप मछली को छोड़ रहे हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई होप ब्लॉग्स, लाइक, शेयर एंड टू कमेंट। कब तक घूमने वाले हैं? सिर्फ घूमने से क्या होता है? आज वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए हम आज करेंगे कुकिंग का वीडियो। फिलहाल मैं हमारे रूम में हूँ और आज हम बनाने जा रहे हैं रोही माछो बेसरो। तो सीधा चलते हैं किचन में, फिर बनाएंगे रोही माछो बेसरो और उसके साथ हम राइस एंड रोही माछो बेसरो आज खाने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर। तो ये रहा रोही माछो, इसका इसको अच्छे तरह से साफ कर लिए हैं। अब इसका होगा मैरिनेशन। मैरिनेशन में क्या डालने वाले हैं? हाँ, मैरिनेशन में हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक, अब जा रहा है हल्दी। तो हम दो तरह के मैरिनेशन बना रहे हैं। एक है बेसरो के लिए जिसमें हम सिर्फ नमक और हल्दी डाल रहे हैं, और दूसरा ये है जो कि हम तवा फ्राई के लिए मैरिनेशन बनाएंगे जिसमें नमक हल्दी के साथ दूसरे और भी मसाले डालने वाले हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे। तो हम अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए अच्छे से। बेसरो मसाला बनाने के लिए हमने सरसों, जीरा और लहसुन को भिगो दिया है। फिर ये जाएगा, इसको हम ब्लेंड करके थोड़ा करी में यूज करेंगे और हमारा जो तवा फ्राई होने वाला है उसमें थोड़ा मसाला डालेंगे। तो हम ये जो मैं भिगोए थे मसाले को उसको ब्लेंड करने वाले हैं। माछो बेसरो बनाने के लिए पहले जो मैरिनेटेड फिश है उसको थोड़ा हम तवा में फ्राई करेंगे, इसलिए हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। मछली फ्राई करने के लिए हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। मछली हमेशा सरसों के तेल से ही बनाने से बेहतरीन टेस्ट आपको मिल जाएगा। अच्छे से गर्म होने पर हम अब मछली को छोड़ रहे हैं। अब हमारा फिश फ्राई होके रेडी है। आगे बढ़ने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें लंबा कटा हुआ आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि आलू थोड़ा पक जाए और थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाए इसमें। बेसरो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल लेंगे, उसमें थोड़ा सा चीनी डालें ताकि कलर आ जाए, और उसके बाद हरी मिर्च प्याज को डाल के हल्का सा भूनेंगे इसको। थोड़ा सा खटास लाने के लिए हमने तीन बड़े टमाटर डाल दिए हैं इसमें, उसके साथ थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के मसाले को थोड़ा हल्का सा भूनेंगे। मस्टर्ड, जीरा, लहसुन को मिला के हमने जो ब्लेंड बनाया था उसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डाल के, थोड़ा सा मीट मसाला मिला के हम ये पेस्ट तैयार किए हैं और इसको अब डाल के थोड़ा सा और भूनेंगे। अभी मस्टर्ड मसाला में हम जो हमारे फ्राइड आलू है उसको डाल के थोड़ा सा मिलाएंगे। अब थोड़ा सा पानी देके हम आलू को पकने देंगे थोड़े देर के लिए। 5 मिनट अच्छे से पकने के बाद अब बारी है हम इसमें जो हमारे फ्राइड मछली है उसको डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और फिर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे थोड़ा।
और उसके साथ साथ हमारा माछ बेसर रेडी है। माछ बेसर में हमने जो तवा फ्राई फिश डाला है उसका मैरिनेशन था सिर्फ नमक और हल्दी, पर ये जो तवा फ्राई होने वाला है इसमें नमक और हल्दी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे हमारे ब्लेंडेड मस्टर्ड पेस्ट, उसके साथ हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसके साथ हम थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे चिकन मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर, एंड में थोड़ा गरम मसाला डाल के हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तवा अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे हमारे जो मैरिनेटेड हुए मछलियाँ। मीडियम आंच पे हमको दोनों साइड मछली के दोनों साइड को रोस्ट करना है। रोस्ट होने के बाद हमारा फिश मसाला तवा फ्राई रेडी हो जाएगा। तो ये बन गया है हमारा फिश तवा फ्राई और माछो बेसर। अब थोड़ी देर में हम इसका मजा लेने वाले हैं, टेस्ट करेंगे। सूरत को देख के खाने का बड़ा ही मन कर रहा है और महक भी एक्सलेंट आ रहा है महक। तो राइस रेडी है, हम भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में खाएंगे इसको। सो गाइस, ये था एक डिफरेंट सा वीडियो फूड कुकिंग के ऊपर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होपफुली आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये बन गया है हमारा फिश तवा फ्राई और माछो बेसर। अब